अभी तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? शरियार के जाने के बाद आज पहली रात है, नींद ही नहीं आ रही। बहुत याद आ रहा है, क्या पता था कि वो हम सबको छोड़ के मनो मट्टी तले चला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये रात उन्हें अपनी कब्र में ही गुजारनी थी, और ये अल्लाह का फैसला है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम हिम्मत खो दोगे तो मम्मी और फरी को कौन संभालेगा? अगर देखा जाए तो मैंने भी तो अपनी औलाद खोई है, जो पैदा होने से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरा और शरियार का बचपन का साथ था, बस 2 साल बड़ा था मुझसे, हम भाई से बढ़के दोस्त थे। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि हजारों इख्तलाफात ही सही, लेकिन जो प्यार होता है उसे इंसान भूल नहीं सकता। एकदम चला गया, और ऐसे ही हम सब भी एक ना एक दिन चले जाएंगे अपनी बारी पर। काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो कमरे में, इस तरह जागते रहोगे तो बीमार हो जाओगे। चलो। उमर कहाँ है? उमर सो गया है, अब मैंने सोचा कि मैं उसे उठाऊंगी तो उसकी नींद खराब होगी। चलो। तुम मेरी वजह से नहीं लाइनों से कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब मत सोचो, चलो चलकर आराम करो।